के जीआरपी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से फिरोजाबाद की महिला का चोरी हुआ 14 माह का बच्चा 4 दिन की तलाश के बाद कोलकाता में बरामद हुआ। बताते चले कि छपरा की रहने वाली महिला ने अपने बेटे की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपित महिला बच्चे को बेचने की तैयारी में थी। सीसीटीवी कैमरा फुटेज और सर्विलांस की मदद से जीआरपी की टीम ने आरोपित महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद की हेमा पति से विवाद होने पर 14 माह के बेटे को लेकर घर से निकली थी। रक्सौल स्टेशन पर मिली एक महिला ने मदद का झांसा दिया और फिर बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए आरोपित महिला को गिरफ्तार कर सकुशल बच्चे को बरामद किया और परिजन को सौंप दिया। 24 जुलाई को एक हेमा नाम की महिला ने गोरखपुर जीआरपी थाने में सूचना दिया कि एक अज्ञात महिला थी जो उसके बच्चे को जो उम्र 14 माह थी, मृदुल नाम था उसका, उसको जब उसको नींद आ गई तो वो लेकर के चली गई। ये सूचना जब मिली गोरखपुर जीआरपी को तो उस पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और क्योंकि ये बेहद चुनौतीपूर्ण एक छोटे बच्चे के गायब होने की सूचना थी और प्रकरण बिल्कुल अंधकार में था। कहीं से न तो कोई मोबाइल था वादिनी के पास, न उस अज्ञात आंटी का कोई मोबाइल नंबर था, न कोई फोटो था, न बच्चे का कोई फोटो है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दो टीमें गठित की गई। एक टीम विनोद राय के नेतृत्व में गठित करके तुरंत, क्योंकि उसने बताया था कि मैं इस रूट से आई हूँ, उस रूट के लिए रवाना कर दिया गया। उसमें हमारी सर्विलांस की भी टीम थी और दूसरी टीम अरविंद शर्मा जो इंस्पेक्टर हैं बस्ती के, इनके नेतृत्व में गठित की गई कि कुछ महिला के जो परिजन आए हैं उनसे भी पूछताछ करें, बातचीत करें, आखिर कुछ कुछ लोग मिलना चाहिए। तो महिला से पूछताछ में एक क्लू ये मिला कि जब वो फिरोजाबाद से चली तो वो गुवाहाटी चली गई थी। गुवाहाटी से वो वापस आई नरकटियागंज। नरकटियागंज में उसने बताया कि एक ट्रेन मिली जिस पर आनंद विहार लिखा था और उस ट्रेन से मैं जहां गई वहां वो ट्रेन खाली हो और मैं उतर गई, मुझे डर लगने लगी। वहां पर एक आंटी मिली, वही आंटी मेरे साथ गोरखपुर तक आई थी। तो हम लोगों ने पता किया कि आनंद विहार खाली कहाँ होती है, तो पता चला कि वो आनंद विहार रक्सौल में खाली होती है। इस आधार पर 25 तारीख को हम लोगों ने एक टीम रवाना कर दिया रक्सौल के शाम। वो टीम जब वहां गई तो वहां एक वेंडर मिला। उस वेंडर ने बताया कि साहब ये तो आई थी तो इनको मैंने पानी भी पिलाया था और उनके पास एक बच्चा भी था, लेकिन वो गीता गीता मदेशिया थी जो इनको खाना पीना खिला रही थी। मैं उनका पता जानता हूँ। इस आधार पर हमारी टीम छपरा गई और छपरा जाने के बाद फिर दूसरी टीम यहाँ से गोरखपुर चरण में रवाना किया। वहाँ की पुलिस की मदद से इसके घर पर हम लोगों ने गठित किया तो वहाँ पर न बच्चा मिला और न गीता मदेशिया भी, न इसका लड़का, लेकिन मोबाइल नंबर मिल गया। और जब उसको टेस्ट किया गया पता लगा कि ये लोग कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं और फिर हमारी टीम वहाँ से कलकत्ता के लिए रवाना हो गई। कलकत्ता से फिर पता चला कल कि ये लोग वापस आ रहे हैं और फिर हमारी टीम रवाना वहाँ से हुई। इसी बीच आज सुबह कप्तानगंज में गीता मदेशिया, उनका पुत्र राहुल, अपहृत जो बालक था मृदुल जिसकी उम्र 14 माह है, ये मिले। इनकी बच्चे को बरामद करके और इनकी गिरफ्तारी की गई। इनसे पूछताछ के बाद तो अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। देखो ये घटना बहुत बुरी हुई हमारे साथ। हमारा बच्चा, ये मेरी पत्नी है जो घर से 17 तारीख को नाराज होकर चली आई थी। तो 17 तारीख को हमारे यहाँ पर टुल्ला पड़ता है, टुल्ला स्टेशन से गुवाहाटी एक्सप्रेस में बैठी थी। गुवाहाटी एक्सप्रेस में बैठ के ये गुवाहाटी पर जाकर उतरी तो गुवाहाटी से फिर ही रिटर्न हुई है। रिटर्न हो के जब इसको यहाँ पर पूछताछ में बताया गया तो ये कोई बनकटिया क्या है, कोई स्टेशन पड़ता है वहाँ पर उतरी है। वहाँ से फिर रिटर्न हुई है तो ये रक्सौल पहुँची। रक्सौल से वहाँ पर रात भर स्टे हुआ। वहीं से जो महिला जो जिसने किडनैप किया था बच्चे को वहीं से पीछे लग गई थी इसकी। फिर ये यहाँ पर आई थी 21 को गोरखपुर स्टेशन पर उतरी। वहीं से लगभग ये 4 बजे के समथिंग शाम को, और जिस लेके आई थी वहीं थोड़ा देर बैठ पाई, सो गई होगी, वहीं से बच्चे तुरंत गायब हो गया।
कितने दिन के बाद बच्चा मिला? बच्चा मतलब हमको कल 27 तारीख को मिला है, कोलकाता जाके। कोलकाता हावड़ा। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यहाँ से लोगों ने मुझे बहुत बहुत ही अथक प्रयास से मेरे बच्चे को दिया है, बहुत बहुत गुरूर प्रशंसा करता हूँ उन लोगों। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें लाइव इंडिया हर पल, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।